35 करोड़ मुसलमानों को आप बंगाल की खाड़ी में काट करके नहीं डाल सकते। आपने कत्ल वगारत कराया दिल्ली में, उसका नतीजा आपके सामने है। और आप दंगा आपने कराया, प्री प्लान दंगा था, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दंगा ही मुसलमान है, जिसके लिए आपने अपने गुंडे छोड़े, आतंकवादी मिश्रा जैसे लोगों को, और पूरे दिल्ली के अंदर आग लगाने का काम किया। दिल्ली नहीं, आपका तो प्लान था कि पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आपने, हम तो ये कहेंगे साफ साफ कि गुजरात की तर्ज पे आपने यहाँ दंगा कराया। नहीं, विपक्ष तो समाप्त नहीं हो गया, लेकिन असल में सिंधिया खानदान की अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, अंग्रेजों के टाइम से, उससे पहले भी देखें, समझे ना आप, हेडगवार से लेकर के कहीं तक भी देखें, तो इनके मिजाज जो हैं, तो मैं तो ये कहूँगा घर वापसी हुई इस खानदान की। मैं तो ये कहूँगा, इन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो सिंधिया खानदान, जो सिंधिया राजा था, उसका भी इतिहास उठा के देखे कि अंग्रेज़ों के साथ क्या कुछ तालमेल था इनका। और आज भी अगर वो मुल्क के साथ, मैं तो ये कहूँगा मुल्क के साथ गद्दारी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इनके वालिद मोहतरम, सारा खानदान चला गया था लेकिन वो नहीं गए थे। इनको अपने बाप की आज मतलब बरसी थी, तो उसकी तो लाज रखनी चाहिए थी, उसकी भी लाज नहीं रखी इन्होंने। उनकी रूह को बड़ी तकलीफ हो रही होगी कि आज मेरा बेटा निकम्मा हो गया। और आप कह रहे थे कि अपोजिशन तो देखिए ख़त्म नहीं होगा, ये अपोजिशन ही तो है जो यहाँ खड़ा हुआ है। आज 70% हिंदुस्तान की जनता अपोजिशन है, 32% ने वोट दिया ना बीजेपी को, बाकी 68% वो लोग जो हैं तो अपोजिशन के लोग ही तो हैं जो आज सड़क पे हैं। देखिए असल क्या है, असल क्या है कि जिस ढंग से ये सरकार चला रहे हैं, ये कतई इस मुल्क के लिए ये लोग सूटेबल नहीं है, और इस मुल्क को ये गड्ढे में तो नहीं कहूँगा, समुंदर में डाल रहे हैं। ये दंगे की तरफ इस मुल्क को ले जाना चाहते थे। दिल्ली के अंदर बहुत लार्ज स्केल में दंगा कराया इन्होंने। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, 35 करोड़ मुसलमानों की आबादी इस मुल्क में है, 35 करोड़ मुसलमानों को आप बंगाल की खाड़ी में काट के नहीं डाल देंगे। अगर हिंदू इस मुल्क का जिस्म है तो मुसलमान रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचेगा तो जिस्म बेकार हो जाएगा, मुल्क बेकार हो जाएगा। आपको हम एक बात बताएं, ये बड़ी गलत फहमी में है, अगर ये जो मुसलमान यहाँ है इसको पाकिस्तान करते हैं, अगर इसको पाकिस्तान जाना होता तो यहाँ क्यों रहता। हमने तो पाकिस्तान को नकारा है, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया है, इनके बुजुर्गों ने तो अंग्रेज़ों की दलाली की है, हमने तो मतलब इस मुल्क को आज़ाद कराया है। मैं एक फ्रीडम फाइटर का, मैं औलाद हूँ एक फ्रीडम फाइटर, मेरे दादा ने, मेरे बाप ने, मेरे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया। ये बार बार कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता। अब ये कह रहे हैं कि साहब प्रमाण पत्र दीजिए अपने बाप का, अपने दादा का। अभी RTI डाली गई हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के लिए, तो बड़ा अफसोस है कि उनकी कोई नागरिकता साबित नहीं हुई, उनके पास कोई कागज नहीं है। खट्टर साहब के पास, खट्टर साहब का टट्टर उड़ गया, मालूम हुआ कि उनके बाप का भी मतलब कुछ नहीं पता है, दादा का भी नहीं मिला, नागरिकता नहीं मिली। अब मुझे एक बात बताइए, चीफ मिनिस्टर की नागरिकता नहीं है तो उसे कहाँ भेजेंगे आप? मोदी साहब का भी नहीं है क्या भाई? आप इसके भी RTI डालना पड़ेगा, मुझे लगता है क्योंकि सारे विदेशी लोग हैं, ये ईरान से आए, सेटल हुए यहाँ पर, और ये कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, ये कहते हैं साहब ये बाबर की औलाद है। बड़ी ख़राब बात है, मुसलमानों की ये कह करके संबोधित नहीं करना चाहिए कि बाबर की औलाद है। अरे बाबर, चलो मान लेते हैं तुम्हारे कहे अनुसार कि बाबर आए यहाँ पर रूल किया, लेकिन उसके बाद जो नस्लें हैं वो तो यही पैदाइश हुई ना उनकी, हिंदुस्तान को उन्होंने अपनाया सारे बादशाहों ने। और आप किस किस को रोएंगे, कैसे कैसे करेंगे? आप कहते हैं कि साहब मुसलमान, हर जगह हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो,
ये कितने दिन चलेगा। तुमने आज पूरा जमुना पार के अंदर 8 मस्जिदें जो है तो वहाँ जला दी गई, जिसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है, किसी मीडिया में नहीं हो रहा। तो आपके माध्यम से जिक्र हो जाए, कुरान शरीफ जला दी गई, इमाम का पता नहीं है, मदरसे में कुछ आज रिपोर्ट आई है कि 120 बच्चों का पता नहीं है, मतलब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जिनके घर जल गए हैं, जिनके दर नहीं रहे, घर नहीं रहे, उनके लिए इस गवर्नमेंट ने एक लफ्ज नहीं कहा कि इनको रिहैबिलिटेशन होगा, इनका रिहैबिलिट किए जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये नादिरशाही चल रही है या फिरौनियत है या नमरूद की तरह हुकूमत कर रहे हो तुम इस मुल्क में? भाई आप इस मुल्क को क्या देना चाहते हैं? 4 साल में आप क्या इस मुल्क को तबाह कर देंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके माध्यम से कहा कि 35 करोड़ मुसलमानों को आप बंगाल की खाड़ी में काट करके नहीं डाल सकते। आपने कत्ल वगारत कराया दिल्ली में, उसका नतीजा आपके सामने है, और आप दंगा आपने कराया, प्री प्लान दंगा था, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दंगा ही मुसलमान है, हर बात में दंगा ही मुसलमान है, हर चीज़ में दंगा ही मुसलमान है। क्या कहना चाहते हैं आप? मुसलमान दंगा ही हो गया? मुसलमान दंगाई होता तो हम यहाँ खड़े हुए ना होते। इस इलाके के अंदर आपने बहुतेरा अटेम्प्ट किया, आज भी आपने यहाँ पर अटेम्प्ट करवाया, आज भी आप कह रहे थे कि यहाँ पर खलफिशार हो जाए। आप चाहते हैं इस इलाके के अंदर कि यहाँ के लोग कोई गलती करें और पुलिस के साथ कन्फ्लिक्ट उनका हो जाए तो हम यहाँ के गलियों में घुसें, यहाँ के मोहल्लों में घुसे। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, ये नाकाम होंगे अपने मकसद में। यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं। सर पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में ये दिखाई गई कि शाइन बाग खाली हो गया, जामिया खाली हो गया, क्या एक भड़काने का एक बड़ी साजिश चल रही है? आप मुझे एक बात बताइए, सत्याग्रह चल रहा है, उसमें 10 आदमी भी होंगे, 10,000 भी होंगे, 10 लाख भी होंगे, 2 आदमी भी होंगे भूख हड़ताल करते हुए, तो आप क्या उसको नहीं मानेंगे? आप भीड़ से मतलब इसको वो करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं कि भीड़ होगी तो आप मानेंगे कि हाँ ये मतलब कामयाब है, भीड़ नहीं होगी तो नहीं मानेंगे आप। आज भी आपने यहाँ पर जामिया यूनिवर्सिटी में अटेम्प्ट किया अपने पुलिस के ज़रिए से इनको हटाने के लिए। देखिए ऐसा है कि इलीगल नहीं है, लीगल ही है, हमारा फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट हमको हमारा संविधान हमको अख्तियार देता है हमको धरना देने का, प्रदर्शन करने का। नंबर दो बात, आपका इतना ख़राब कानून है जिसकी आप पैरवी करते फिर रहे हैं, जिसके लिए आपने प्रदर्शन कराया, जिसके लिए आपने अपने गुंडे छोड़े आतंकवादी मिश्रा जैसे लोगों को, और पूरे दिल्ली के अंदर आग लगाने का काम किया। दिल्ली नहीं, आपका तो प्लान था कि पूरे हिंदुस्तान में मतलब आपने, हम तो ये कहेंगे साफ साफ कि गुजरात की तर्ज पे आपने यहाँ दंगा कराया, वहाँ पर भी 72 घंटे पुलिस नहीं थी 2002 में, और यहाँ भी नहीं थी, आपने बिल्कुल इसी तर्ज पे कराया। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि यहाँ के जो हिंदू है वो कह रहा साहब हम मोहल्लों में जब घूमे तो कहते नहीं नहीं हम तो थे नहीं, मुसलमान कहता है कि नहीं हमने कुछ नहीं किया। बाहर से आपने बुला करके लोगों को इस दिल्ली के अंदर तबाही और बर्बादी मचाई है आपने। आप एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ भी रिहैबिलिट का काम नहीं कर रही है, कोई भी कुछ भी उनको सहूलियत नहीं दी जा रही। रहा सवाल हमारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, नए तो नहीं है, 5 साल हुकूमत कर चुके हैं, इनके दोस्त ने बिहार में NPR NCR अपने ऐवान में पास करके हटा दिया, तो क्या केजरीवाल जी नहीं हटा सकते हैं? केजरीवाल को नहीं पास करना चाहिए अपने असेंबली के अंदर? BJP हुकूमत में है, वहाँ पे सुशील मोदी डिप्टी मिनिस्टर है, वहाँ सुशील मोदी वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, नीतीश कुमार साहब चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने बड़ा हंसी आ रही है कि उन्होंने अपने आप पास करके भाई NPR जो है 2010 के तर्ज में ही होगा, और दिल्ली के अंदर लॉलीपॉप दे करके केजरीवाल ने कहा था कि इलेक्शन, अरे क्या कहना चाहते थे आप कि साहब हम आएंगे और हम ये करेंगे, हम नहीं लागू होने देंगे, ये आपके अल्फाज थे। दिल्ली दंगा में सर केजरीवाल साहब शांत रहे, एक शब्द नहीं बोले। देखिए ऐसा है, वो गए
अमित शाह के बगल में बैठे मुस्कुरा रहे थे और वो भी मुस्कुरा रहा था। अब इस मुस्कुराहट का अंदाज़ा आप कर लीजिए कि क्या हो रहा था। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता कुछ, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अप्रैल से पहले केजरीवाल को अपने ऐवान में अपनी असेंबली के अंदर इस कानून को रद्द कर देना चाहिए और 2010 के तर्ज पर लागू करना चाहिए और LPR को भी ख़त्म करना चाहिए। मैं ये बात कह करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। बात तो बहुत सारी है करने के लिए, आइंदा फिर कभी आपसे गुफ्तगू हो।